हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखेंगे। वीडियो है हाउ योगीज इनकाउंटर मॉडल मेकिंग यूपी रिच। सो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि यूपी में आपको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, और वहां पर जब से योगी जी एज अ सीएम आए हैं, तब से काफी चीजें चेंजिंग हमें होती हुई दिख रही हैं। डिफरेंस नजर आ रहा है, काफी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है यूपी में। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो इसको यूपी को रिच कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट बना रहे हैं, और स्पेशली इनकाउंटर करके। इनकाउंटर चाहे वो बुलडोजर का हो, चाहे वो क्रिमिनल्स का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। तो जल्दी से जल्दी देख लेते इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए, ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। इस वीडियो के अंत तक आप जान लेंगे कि अतीक अहमद के वध के फायदे हैं या नुकसान। अतीक अहमद, द उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड हिज ब्रदर अशरफ अहमद, वो शॉट डेड। साथ में क्या यूपी के एनकाउंटर्स किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध हैं? ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आ गई। क्या इन एनकाउंटर से भारत की छवि को ठेस पहुंची है? संशय कुछ नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। या ये एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश में पैसे की बरसात कर रहे हैं? $1 trillion की इकोनॉमी, डेमोक्रेसी के लिए खतरा या आवश्यक, क्या चेंज आया है यूपी में इन एनकाउंटर से? योगी आदित्यनाथ के कर्मों का एक ऐसा सत्य जो एनकाउंटर्स को लेकर आपके विचार बदल सकता है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें। एनकाउंटर से बरसता पैसा और बदलाव देखने से पहले एनकाउंटर का रंग देखना चाहिए। अतीक अहमद, जिसे लाइव टीवी पर आपने हीरो के पास ट्रांसफर होते देखा, कौन था वो? यूपी का आम आदमी उसे एक माफिया के नाम से जानता है, जिसके पास 11,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति थी, 160 से अधिक उसके ऊपर केस थे, और पाकिस्तान की ISI से उसके संबंध थे। अब ऐसे बंदे को कुछ सनकी आकर ठोक गए, जो कि अब पुलिस के कब्जे में है। ऐसा ना होता तो अच्छा होता, कानून अपना कार्य करता, परंतु 2004 में खुद अतीक अहमद ने अपनी मृत्यु के लिए भविष्यवाणी यही की थी कि उसका एनकाउंटर होगा, या तो पुलिस मारेगी या उसकी बिरादरी का कोई सरफिरा सड़क के किनारे पड़ा मिलेगा। अतीक एक अपराधी के रूप में अपनी हूरगति के बारे में जानता था, पर भारत और विश्व में कुछ लोग इसे और ही कुछ रंग दे रहे हैं। ये BBC की पत्रकार के अनुसार अतीक अहमद गरीबों की मदद करने वाला रॉबिन हुड था। नेक दिल अतीक अहमद खुद को ये शायद ऐश्वर्या राय समझती होगी, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। BJP को छोड़कर भारत की हर राष्ट्रीय पार्टी इस पूरे कांड को कोस रही है, और ऐसा ही ये अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी कर रहे थे। अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। आम आदमी पार्टी वालों के तो भाई अपने ही दुख कम नहीं हो रहे हैं, तो वो इस मुद्दे पर चुप हैं, परंतु असद ओवैसी ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी ठोकना जो है उसका रंग दे दिया है, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बाकी विदेशी मीडिया के अनुसार तो कुछ अलग ही नैरेटिव चल रहा है। रियूटर्स वालों के अनुसार फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर को टपकाया गया। BBC और एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार भी पूर्व लॉ मेकर को लाइव टीवी पर नाप दिया गया। पाकिस्तानी पत्रकारों के अनुसार भारत में एक भी अल्पसंख्यक सेफ नहीं है, और ये नैरेटिव एक ने नहीं, दर्जनों पत्रकारों और मीडिया हाउसेस ने बेचा है। किसी ने भूलकर भी आपको ये नहीं बताया कि अतीक एक हिस्ट्री शीटर था, सैकड़ों में केस थे उसके ऊपर। इसे ही नैरेटिव सेट करना कहा जाता है। अतीक एक मुस्लिम पूर्व सांसद जिसे खुलेआम लाइव टीवी पर ठोक दिया गया, भारत में डेमोक्रेसी मर रही है, यह नैरेटिव बहुत जगह सूट करता है, परंतु सत्य क्या है? उत्तर प्रदेश में 183 एनकाउंटर ऐसे हैं जिसमें क्रिमिनल मारा गया है, इसमें अतीक का बेटा असद भी आता है। इन 183 में से 59 यानी 59 मुस्लिम समुदाय से आते हैं, यानी लगभग 32%। आंकड़ा दिखाता है कि धर्म जाति देखकर ये सारे कांड नहीं किए गए हैं, क्योंकि इन सारे कांडों में विकास दुबे भी आता है, जो कि ब्राह्मण बताया जाता है, मुन्ना बजरंगी जो कि ठाकुर बताया जाता है। हाँ, मुस्लिम समुदाय को रिलीजन के नाम पर भड़काना सरल है, तो अतीक कांड को वो रंग दिया जा रहा है। पर इस नकली नैरेटिव से दूर असली अतीक अहमद कौन था?
अतीक अहमद कौन था ये मैं आपको आंकड़ों में बताऊं, इससे बात कम समझ में आएगी, तो कहानी के रूप में सुनते हैं। पहले कहानी भुक्त भोगियों से सुनिए। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो प्रत्येक बसों पे अगर अतीक अहमद नहीं लिखा होता था तो बसें चलती नहीं थी, इतना खौफ था। किस तरीके की गुंडागर्दी थी, आप तो प्रयागराज से हैं, बचपन देखा, मतलब किसी का भी सरेआम हत्या कर देना, लूट लेना, रंगदारी लेना, कहीं भी अपने मकान बना लेना, कोई भी मकान कब्जा करके अपने घर बना लेना, किसी को दे देना, गेस्ट हाउस बना लेना, इसी तरीके के काम थे। ये सब बातें हवा हवाई बातें नहीं है। ये वीडियो देखिए जिसमें खुले आम लोगों का घर गिराया जा रहा था पुलिस के सामने। देखिए अतीक अहमद गुंडों ने पूरा प्लाट गिरा दिया कब्जा करने के लिए, ये खुलेआम हमारी पुश्तैनी जमीन। ऐसे अनेक विक्टिम्स हैं, उसमें से एक महिला 1989 से केस लड़ रही है अतीक के विरुद्ध, उसकी कहानी देखिए। तो मैं गई वहाँ तो कहे ना जो है तो हमारे आदमी बुलाते हैं तो आप मानती नहीं हो। अतीक ने कहा तो हम कहा क्यों भैया लाल पियर हो रहे हो मेरे ऊपर, कहा है मेरे आदमी जो कह रहे हैं उसको सुनिए, इसीलिए मैं बुलवा रहे हूँ। और जो है तो नहीं तुम्हारे जैसे पति नहीं आए उसी तरीके तुमको हम जबे कर डालेंगे, जैसे मुर्गी जबे करी जाती है उसी तरीके तुमको हम जबे कर डालेंगे। अब ये सारी रियल लाइफ स्टोरीज हैं, इनके आगे आंकड़े क्या ही बेचते हैं, पर चलिए कुछ लोग आंकड़ों की भाषा अधिक समझते हैं। तो यूपी पुलिस के अनुसार 160 केस अतीक परिवार से चल रहे थे, जिनमें से 100 केवल अतीक पर थे, 52 उसके भाई पर थे, 3 उसकी बीवी शाइस्ता परवीन पर भी थे। ये अतीक का महिला सशक्तिकरण में योगदान था। इस बंदे की 11,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति को तो जब्त कर लिया गया है। प्रयागराज जिला प्राधिकरण के अनुसार 751 करोड़ की संपत्ति पर तो केवल जबरदस्ती कब्जा करके बैठा था ये बंदा। भारतीय यूनिकॉर्न्स की संख्या में एक नाम इसका भी होना चाहिए। और आपको पता है कि अतीक और उसके बेटे का ये पूरा जो कांड है ये क्यों हुआ? अतीक अहमद 1989 से 2004 तक MLA रहा था पश्चिमी इलाहाबाद से। 2004 में उसे MP बनाया गया फूलपुर से समाजवादी पार्टी के द्वारा। अब भाई साहब MP बन गए तो MLA की सीट उन्हें छोड़नी पड़ी, तो उस सीट पर बायपोल इलेक्शन हुआ। अतीक का जो भाई था वो उस सीट से लड़ा, पर राजू पाल नाम के व्यक्ति ने अतीक के भाई को हरा दिया, जो कि मायावती की पार्टी का कैंडिडेट था। 2004 में अतीक का भाई राजू पाल से हरा और 2005 में खुलेआम MLA राजू पाल को अतीक के गैंग ने मार डाला। हाल बॉलीवुड की फिल्मों जैसा था, गाड़ी चल रही थी उस पर दनादन फायरिंग हो रही थी। अब इस केस में एक प्राइम विटनेस था उमेश पाल नाम का। इसी उमेश पाल को 24 फरवरी 2023 को अतीक का बेटा अपने गैंग के साथ मारने पहुंच गया, खुलेआम विटनेस को मार दिया गया। पुलिस वाले मारे गए, सड़क पर मूंगफली की तरह बम फेंके जा रहे थे। और इसके बाद यूपी असेंबली में कुछ ये शब्द बोले गए। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हम आज कह रहे हैं इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब रिजल्ट भाई आपके सामने है, सब मिट्टी में मिल चुके हैं, पर इस मिट्टी में मिलाए जाने का प्रभाव क्या होता है? अतीक केवल एक उदाहरण है। अतीक जैसे अनेक गैंगस्टर्स यूपी को अपनी मां के दहेज में आया स्कूटर समझकर चला रहे थे। मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, मुन्ना बजरंगी जैसे अनेक थे। 2017 में सरकार बदली और अचानक से ये एनकाउंटर शुरू हो गए। सितंबर 2017 की इस रिपोर्ट के अनुसार पहले 6 महीनों में ही 420 एनकाउंटर्स हो चुके थे गैंगस्टर्स के विरुद्ध, जिसमें 15 अपराधी मारे गए। ये फ्रीक्वेंसी इतनी तीव्र थी कि हर 12 घंटे में एक ऐसा कांड हो रहा था। क्या प्रभाव हुआ इसका? NCRB के डेटा के अनुसार 2017 से 2020 तक कंपैरिजन यदि हम करें तो महिलाओं पर अपराध 13% कम हुए हैं, हत्या जैसे अपराध में भी लगभग 13% की कमी आई है, महिलाओं से यौन हिंसा तो 34% घट गई है, अपहरण जैसे अपराध जो हैं वो 35% घट गए हैं। 2017 से 2020 तक ही दंगों में 31% की गिरावट देखी गई है। रॉबरी जैसे अपराध 60% की गिरावट के साथ देखे जा सकते हैं। डकैती में भी 60% की ही कमी दिखी है। दहेज जैसे केसेस में मामूली गिरावट आई है, वहीं ड्रग्स के केसेस में काफी बढ़ोतरी दिखी है।
इस सब से क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में बिजनेसमैन रुकने लगे। 2023 के यूपी इन्वेस्टर समिट के अनुसार 32 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए। 2018 में ये संख्या लगभग 4 लाख करोड़ थी। इसका बेसिक कारण लॉ एंड ऑर्डर में सुधार और नीतियों में सुधार था। 2020 तक यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो होती है वो देश में दूसरे नंबर पर आ गई, जो 2019 में 12वें नंबर पर थी। और इसका रिजल्ट ये रहा कि बेरोजगारी दर जो थी वो गिरने लग गई। इससे पहले यूपी में इन्वेस्टर समिट ही नहीं होते थे, कारण गुंडों का राज था। 1980 के दशक का एक उदाहरण देखते हैं। वीर बहादुर सिंह उस समय सीएम थे, पूर्वांचल के क्षेत्र को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे वो। इसी कारण से जो बजाज कंपनी थी वो गोरखपुर आई प्लांट लगाने। उन्होंने जब सर्वे किया तो वहां के गैंगस्टर हरिशंकर तिवारी ने बजाज के कर्मचारियों से रंगदारी लेना चालू कर दिया, प्रोटेक्शन मनी। बजाज फिर लौट कर नहीं आई। ये स्थिति मायावती और मुलायम के आने के बाद बिगड़ती ही गई और 2017 तक यही स्थिति रही। एक आध शहरों को छोड़कर आज स्थिति यह है कि पंजाब के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पंजाब में सेफ फील नहीं कर रहे और यूपी की ओर भाग रहे हैं। गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो यूपी में 38,000 करोड़ लगाने की बातें कर रहे हैं। यही पैसा जो होता है ना वो लोगों तक फिर इन्वेस्ट होकर पहुंचता है। ये सब आरंभ हुआ 2017 में एनकाउंटर से, पर कैसे इंप्लीमेंट किया गया ये सब यूपी में? उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था कि अतीक अहमद पर निर्णय सुनाने में न्यायपालिका के 12-12 जजों की बेंच भी असमर्थ थी। यूपी में ही फिर एक समय ऐसा आ गया कि अपराधी गले में तख्ती डालकर आत्मसमर्पण करने लगे, जेल में पड़े अपराधी जमानत लेने से मना करने लगे। कैसे हुआ ये सब? अक्टूबर 2022 में एडीजी प्रशांत कुमार द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को फ्री हैंड दे दिया क्राइम से निपटने के लिए और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त कर दिया। एडीजी के अनुसार पुलिस की फाइल्स तक में योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस का मंत्र लिखा गया। वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दे जाएंगे और वही कार्य हम कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पहला स्टेप था पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉल पर बात करना, जीरो टॉलरेंस का मंत्र बताना और यह बताना कि यदि कोई चूक होती है तो स्टेट उनके साथ खड़ा है। क्या हुआ इससे? कॉन्फिडेंस बढ़ा। जो पुलिस वाले पहले गोली की आवाज सुनकर भागते थे अब बैकफायर करने लगे। यूपी की कोई आधिकारिक एनकाउंटर पॉलिसी नहीं है, पर अपने सहकर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को विश्वास दिलवाना इन एनकाउंटर्स का आरंभ था। बाद में शायद पुलिस को ही मजा आने लग गया। इसके बाद एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स बनाई गई जिसमें हजारों करोड़ के कब्जे छुड़वाए गए। 2021 तक ही 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी डिमोलिश करके कब्जे छुड़वाए जा चुके थे। इसके अलावा यूपी के पुलिस डिपार्टमेंट्स में बेहद करप्शन था, जिस वजह से 51% से अधिक का स्टाफ शॉर्टेज था यूपी के अंदर। करप्शन और चीटिंग जैसे मैल प्रैक्टिसेस पर अंकुश लगाया गया और 1,59,000 से अधिक पुलिस कर्मचारी भर्ती किए गए। फिर इसके बाद पुलिस की ट्रेनिंग पर भी पैसा लगाया गया और एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, साइबर क्राइम वर्टिकल, फॉरेंसिक लैब्स जैसी नई इकाइयां भी बनाई गई। पहले जेल के भीतर से अपराधी जो थे वो शासन चलाया करते थे, उसे बंद करवाया गया। सीसीटीवी कैमरा की मदद से मॉनिटरिंग की गई लखनऊ में बैठकर, जिसका मतलब था कि अपराधी का एक गलत कदम उसे बड़ी पीड़ा देने वाला है। यह सब बदलाव और कठोर रुख कानून व्यवस्था में बदलाव लाए, पर इससे पहले स्थिति अलग थी। आज अपराधी पूंछ पृष्ठभाग में दबाकर और मुंह मिट्टी में गाड़ कर बैठे दिख रहे हैं, परंतु हमेशा यह स्थिति नहीं थी। एक समय अपराधी यूपी में चुनाव जीतने का मंत्र माना जाता था। विकास दुबे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ता था, अतीक अहमद मुलायम सिंह, मायावती, ओवैसी सबकी पार्टी से चुनाव लड़ चुका है, मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी में था, फूलन देवी समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी। ये केवल कुछ मुख्य चेहरे हैं, पर यह सूची लंबी है। यूपी को पूर्व का शिकागो ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। कहानी 1950 से 1960 के बीच में होती है, जब यूनिवर्सिटी के बड़े पदों पर आधिपत्य गवर्नेंस के बड़े पदों तक पहुंचना माना जाता था और पावर का एक केंद्र माना जाता था। उस समय गोरखपुर में दो कॉलेज थे, एक कॉलेज का फाउंडर ठाकुर और दूसरी यूनिवर्सिटी का फाउंडर ब्राह्मण था। दोनों के भीतर वर्चस्व के लिए क्लैशेस शुरू हो गए। पंडित तिवारी का वर्चस्व बढ़ रहा था और पॉलिटिकल पार्टी उससे सपोर्ट मांग रही थी। फिर एक दिन जनता पार्टी का एमएलए रविंद्र सिंह, जो कि एक ठाकुर था, गोरखपुर स्टेशन पर बेसुध पड़ा मिलता है। पता चलता है कि तिवारी गैंग ने उड़ा दिया है और इस इंसिडेंट के बाद शाही अपने आप को ठाकुरों का नेता घोषित कर देता है और इस पॉइंट के बाद असंख्य बार ठाकुर और ब्राह्मण गैंग्स के क्लैशेस
यूपी में होते हैं। यह आरंभ था कास्ट बेस्ड गैंग्स का, जिसे आगे ज्वाइन किया मुस्लिम गैंग्स ने, यादव गैंग्स ने, जो धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप में पहुंचे हैं। 2005 में टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन जिसमें लिखा था कि यूपी को गैंगस्टर्स चलाते हैं और सेंटर चुपचाप देखती है, यह मुद्दा संसद के भीतर भी दोनों सदनों में बहस का विषय बना था। उस समय मायावती ने कुछ कार्य किया था 2007 से 2012 तक लॉ एंड ऑर्डर पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे सीएम है यूपी के जिन्होंने क्राइम की कमर को तोड़ा है यूपी में, नहीं तो यूपी में अपराध चुनाव जीतने का टूल था जिससे व्यापारी और व्यापार दूर भागता था, और यही कारण था यूपी के बीमारू प्रदेशों में आने का। आज यूपी में पैसा आने का बड़ा कारण है क्राइम का कम होना। क्या ऐसे और उदाहरण मिलते हैं और क्या ये एनकाउंटर सही है? अब तक आपको इतना समझ आया होगा कि अपराध पूरे क्षेत्र को गरीब बनाने के लिए पर्याप्त है, पर क्या एनकाउंटर सही है? तो जी, भारतीय कानून आपको आज्ञा नहीं देता डायरेक्टली किसी अपराधी के एनकाउंटर की, परंतु इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 96 और 100 यानी 96 और 100 को तोड़ मरोड़ कर सेल्फ डिफेंस का हवाला देकर एनकाउंटर्स किए जा सकते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें अपराधी पुलिस पर गोली चला रहा हो, पर फर्जी एनकाउंटर्स का क्या? तो जी, यूपी के सीएम स्वयं कह चुके हैं भाई गाड़ी तो पलट ही सकती है। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटी जाए। देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन तोड़ रहा है? देखिए, इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं। अब ऐसे में कौन ये निष्कर्ष निकाले कि एनकाउंटर फेक है? कोर्ट में प्रमाणित होना चाहिए। यूपीए के शासन में अमित शाह को जेल में डाल दिया गया था फेक एनकाउंटर के चार्ज में, प्रूव नहीं हो पाया। बट आई ट्रूली बिलीव के फेक एनकाउंटर्स होते हैं, यूपीए के समय में भी हुए और आज भी होते हैं, पर मेरे आपके बिलीव से कुछ नहीं होता। एनकाउंटर्स के द्वारा मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सफाया किया गया था, सैकड़ों की संख्या में क्रिमिनल्स को ठोक कर। यूपी उसी राह पर है जहां 2017 से अब तक 10,000 से अधिक एनकाउंटर्स हो चुके हैं। प्रजातंत्र के लिए सही या गलत पता नहीं, परंतु लोगों का जीवन जरूर बेहतर कर रहे हैं एनकाउंटर्स, सुरक्षा और पैसा दोनों लेवल्स पर। आपके विचार कमेंट्स में हमें जरूर बताइए इस मुद्दे पर, गाली भी चलेगी आपकी। शेयर अवश्य करें वीडियो को, सपोर्ट करें पेट्रियन पर या यूपीआई के माध्यम से। बाकी यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, ये भी जरूर देखें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। फ्रेंड्स, ये भी वीडियो एंड होता है। वीडियो आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंट हुई हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपसे ये बात कही थी कि योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट में काफी जो है वो चीजें बेहतरी की तरफ आई हैं, इम्प्रूवमेंट आई है, जिसमें आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट में एक तो क्रिमिनल्स कम हुए हैं, गैंगस्टर्स कम हुए हैं, दूसरा इंसाफ को सबसे ज्यादा आगे रखा गया। ये चीज मैंने जो इस वीडियो में फील की है। इससे पहले कह रहे हैं कि ये अतीक जो है ये भी एक मतलब कि पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं जो गलत हरकतें करते हैं या फिर उल्टी पुल्टी चीजों में मुलव्वस हैं, वो लोग जो है वो पॉलिटिक्स में रहे हैं। तो भाई मेरी बात, मुझे ये आप लोगों से पूछना है कि ये लोग कैसे एक गवर्नमेंट में, मतलब ये जो लोग हैं ये किस तरह से जो है ना ये सब कुछ कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में जानना है कि पॉलिटिक्स में इनको मौका किस दे दिया जाता है जब ये लोग इस तरह की चीजों में मुलव्वस होते हैं। पहले तो राजनीति से ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने आप को स्ट्रांग कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये लोग इस तरह के मामलात में आ जाते हैं और फिर वही पैसा जो कंट्री का होता है वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और तो और कानून को भी अपने हाथों में ले लेते हैं। तो ये चीज मुझे भी समझ नहीं आती कि ऐसा ये लोग करते ही क्यों हैं। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि अतीक जो है वो लोगों के साथ इतना जुल्म करता था कि गरीबों की प्रॉपर्टी तक हड़प लेते थे। मतलब आप देखें तो जैसे वो औरत बता रही है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि एक बुरा वक्त इंसान का जब आता है तो वो बता कर नहीं आता, और आप जब भी किसी के साथ गलत करते हो ना तो आप हमेशा ये बात सोच के रखो कि आपके साथ भी इन रिटर्न होना है। और ये बात उनको पता भी चल गई थी, आई थिंक 2014 या 15 में उन्होंने खुद भी स्टेटमेंट दिया था कि मेरा इनकाउंटर होगा।
और वही चीज आज मतलब कि उनको एक इंसान जो गलत करता है ना उसको पता चल जाता है, उसके अंदर एक वाइब्स आ जाती हैं, तो वही वाइब्स उनको आई और उनको पता चला। एनीवेज ओवरऑल अच्छा लगा वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा कि काफी डिटेल में इन्होंने शेयर किया हमसे और काफी बातें हमें जानने को मिली हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। और बस यही कहूंगी कि योगी जी आने के बाद नो डाउट लोग भले जितना भी उनके बारे में हेट करें या फिर जो भी पार्टी उनके बारे में नेगेटिव बोले, लेकिन अवाम पब्लिक जानती है कि क्या काम हो रहा है, चाहे वो बिल्डोजर का हिसाब हो, बिल्डोजर से लोगों की जैसे अतीक कब्जा करके गरीबों की जगहों पर या फिर गवर्नमेंट की जगहों पर, तो उस पर उन्होंने जो एक्शन लिया है दैट इज अमेजिंग, बहुत ही अच्छा किया। दूसरा जो है वो क्रिमिनल्स को, डाकुओं को, हर किसी को, गुंडों को वहां से उनकी सफाई की है, और इस तरह से आने वाले वक्त में उम्मीद है कि और भी ज्यादा करेंगे। 2024 में योगी जी दोबारा आएंगे और योगी जी जो हैं बिल्कुल सफाया करेंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि 2024 में हमें आजादी मिल जाएगी, तो भैया ऐसी बात नहीं है, योगी जी आ गए तो सफाई कभी भी नहीं, आप लोगों का बचना मुमकिन नहीं है। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।